हाय फ्रेंड्स, आई होप आप पुरानी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं जहां पे आपको मैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, पहले दो वीडियोस थी जो हमने बनाई थी एडिक्स को लेके और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को लेके। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दिए गए हैं और आई बटन में उनके लिंक आपको आ रहे होंगे, वो क्लिक कीजिए, वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो आपके लिए तीसरी स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ, तीसरा वीडियो सीरीज का, बहुत ही शानदार एक ऐसी स्ट्रेटजी विच इज ऑसम। जी हाँ, आपने सही सुना, दिस इज ऑसम स्ट्रेटजी। ऑसम ऑसिलेटर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिकेटर है, बहुत ही कमाल का इंडिकेटर है और अगर आपने इसको भी प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत शानदार हो सकती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, यार इतने इंडिकेटर दे रहा है, किस पे बिलीव करूं? दोस्तों, ये आप पे छोड़ रहा हूं मैं। कितने लोग हैं जो पढ़ाई करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सेल्फ लर्निंग को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट ट्यूशंस को प्रेफर करते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप पढ़ाई कैसे करते हैं। आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज दे रहा हूं, आपको कौन सी स्ट्रेटजीज आपको आसान लगती हैं या आपका इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, इतनी सारी स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, सभी आपको दे दूंगा, जो बेस्ट लगे आपको उस पर काम कीजिए। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि ये ऑसम स्ट्रेटजी है क्या, ऐसी कौन सी इसमें खासियत है जिसके बेसिस पे, इसका कौन सा ट्विस्ट है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, और हाँ, ये इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये ज़ीरोधा का टर्मिनल है, 15 मिनट के टाइम को मैं फॉलो कर रहा हूं। जिसके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है, प्लीज वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक करें, अपना अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास ज़ीरोधा है तो बाकी ब्रोकर्स हैं, एलिस ब्लू हुआ, इंडिया इन्फ्लाइन हुआ, SMC का स्टॉक्स कार्ट हुआ, अपना अपस्टॉक्स हुआ, जिसपे भी आप चाहे अकाउंट खोलिए। और अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो एक और आपके लिए चीज है, आप मेरे इंट्राडे का जो फ्री का ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप, उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा, वहां पे आप मेंबर बन सकते हैं। चलिए लगाते हैं सबसे पहले हम ऑसम ऑसिलेटर को। आप जब इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये यहां मिलेगा, ऑसम ऑसिलेटर। ये ऑसम ऑसिलेटर दिखने में बहुत ही ऑसम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए, एक हिस्टोग्राम रहता है, एक लाइन रहती है, लाइन के कुछ बार्स ऊपर है, कुछ बार्स नीचे है। अब इसको स्टडी कैसे करना है, कुछ बार बहुत ऊपर तक चली गई है, जैसे अगर इन बार को देखा जाए 50 तक चली गई है, कुछ बार बहुत नीचे ये 22 के आसपास तक गई है, या पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो और भी नीचे गई होंगी। यहां पे इसके बेसिस पे काम किया कैसे जाए, ये बार्स हमें कैसे हेल्प करेंगे ट्रेड करने के लिए, इसके लिए आपको सबसे पहले एक रेंज आपको दे रहा हूं। सबसे पहला काम जो किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, लाइक तो अभी दबा दो यार, आपके लाइक से तो मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो रेंज आपको देखनी है दैट इज 10-10। अब 2020 तो सुना होगा IPL का, जी नहीं, हम बात कर रहे हैं 10-10 की। जी आपको +10 और -10 के ऊपर एक लाइन मार्क करनी है, एक रेंज मार्क करनी है, क्योंकि अगर आप नेकेड आई से देखने की कोशिश करेंगे ना कि वो बार 10 क्रॉस हुई या नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है कि 10 प्लस और 10 माइनस का जो हिस्टोग्राम है, जो बार्स हैं, जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है ऑसम ऑसिलेटर के ऊपर में, आप यहां पे अपनी एक लाइन मार्क कर लेंगे। चलिए हमने एक अपना हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करना है, तो राइट साइड में देखिए आपको नंबर्स आ रहे होंगे, जैसे ही हम 10 के आसपास, मान लीजिए 10 लगाइए, 11 लगाइए, आपके ऊपर है से 10.50, मतलब एग्जैक्ट मार्क नहीं हो रहा है, 10.50 के आसपास हमने अपसाइड में मार्क कर लिया है, और यहाँ पे हमने वही 10.50 के आसपास में डाउन साइड में मार्क कर लिया। अब आपको करना क्या है, समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये एक रेंज रहेगी 10-10 के आसपास की, जो जब आपका जो ट्रेड है, जब आपका प्राइस है, जब यहां से -10 को अपसाइड में क्रॉस करिए, ट्विस्ट है दोस्तों, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको मिली होंगी, ऐसी नहीं मिलेगी, ये ट्विस्ट है कि जब आपका प्राइस नेगेटिव, जो -10 की जो लाइन आपने मार्क की है, जो हिस्टोग्राम नीचे की तरफ है, कैंडल्स चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड और ग्रीन कैंडल्स को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या आपका जो हिस्टोग्राम की जो कैंडल है, जो प्राइस जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पे, उसने नीचे वाली जो लाइन है क्या उसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। अगर उसने ऊपर की तरफ उसको क्रॉस किया है, उसको क्रॉस करने दीजिए, एक दो कैंडल बनने दीजिए, यहां पे आप बाय कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पे स्टॉक एक रेंज में रहेगा, ये रेंज बाउंड ट्रेड होगा दोस्तों, यहां पे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो भी आपको बता रहा हूं मैं, जब आपका ट्रेड, दोबारा सुनिए बड़े ध्यान से, जब आपका ट्रेड ये नीचे वाली जो -10 की लाइन आपने मार्क की थी, इससे ऊपर चले, मतलब -9, -8, -7 हो जाए, आप समझ रहे हैं ना, नेगेटिव का जब ऊपर की तरफ जाएगा तो -10 से -9, -8, -7, -6, -5 की तरफ जाएगा, तो आपकी मर्जी है, आप एक दो कैंडल छोड़िए, -7, -8 के आसपास एंट्री कीजिए, चलिए -7 के आसपास एंट्री कीजिए, और जो -10 से नीचे का जो लास्ट स्विंग था, स्विंग कहाँ देखेंगे, चार्ट के ऊपर में जो लेटेस्ट स्विंग लो था, उसको आपको स्टॉप लॉस मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां
यहां पे एंट्री कर रहा हूं तो इसके इस स्विंग का ये लो था, मतलब 1921, ये रिलायंस का चार्ट लगा हुआ है, फिर से मेरा फेवरेट स्टॉक दोस्तों, 1921 का मेरा स्टॉप लॉस हुआ और मैं इसको बाय करके बैठने वाला हूं। जब तक बाय करके बैठने वाला हूं जब तक मेरी ये ऑसम ऑसिलेटर की कोई कैंडल वापस 10 को नीचे क्रॉस नहीं करती, मतलब 10 से नीचे -11 या -12 फॉर्म नहीं करती है, तो जब तक मेरा ऑसम ऑसिलेटर मुझे नहीं कह रहा है कि यहां पे स्टॉप लॉस करने वाला, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाला हूं। मेरा स्टॉप लॉस लगा लिया मैंने उस स्विंग के लो को देखते हुए और मेरा बाय ट्रेड में लेके बैठा रहूंगा। बाय ट्रेड को होल्ड कब करना है? होल्ड करना है कि जब वो पॉजिटिव 10 को भी क्रॉस करके चला जाए, शांति से बैठ जाइए। जी हाँ बिल्कुल, -10 में आपने एंट्री करी है, पॉजिटिव 10 के ऊपर क्रॉस करने की आपने वेट की है और क्रॉस करने के बाद अपने ट्रेड को बिल्कुल आराम से लेके बैठिए। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड आने वाला है, आप देखेंगे 1920 के आसपास से हमने जब एंट्री इसमें की थी तो इसने ट्रेड यहाँ जो ऑसम ऑसिलेटर ने जो हाई लगाया 50 का हाई लगाया और 50 के हाई के आसपास में स्टॉक ने 2025 मतलब 100 रुपये की रिलायंस की मूवमेंट, 500 शेयर का लॉट है रिलायंस का जिसमें आपको 50,000 रुपये खाने को मिल रहे हैं दोस्तों। 50,000 रुपये इज अ बिग अमाउंट, मतलब पूरे महीने की सैलरी एक दिन में। जी हाँ, थोड़ा बैकटेस्ट करके देखें, बैकटेस्टिंग में तो मजा आता ही नहीं है। चलिए हम बाय करने की कोशिश अगर कर रहे थे, यहाँ पे फिर से देखिए ये एक फॉलिंग ट्रेंड था, फॉलोइंग ट्रेंड में फिर से जनरली आपको जब ट्रेंड खत्म हो रहा होता है तो अगर रेड कैंडल्स बनी होती है हिस्टोग्राम के अंदर में तो वो जो बार्स हैं आप कैंडल्स बोलिए उसको, वो हरी बनने लग जाएंगी। जब अगर मान लीजिए कोई बाइंग ट्रेंड खत्म होने लगेगा तो रेड में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, वो एक आसान सा व्यू रहता है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे -10 से दोबारा से हरी कैंडल बनने लगी तो हम थोड़ा अटेंटिव हो जाएंगे, चलिए कुछ अच्छा होने वाला, हरियाली आने वाली बाजार के अंदर में। यहाँ पे जब वो -10 को क्रॉस करके -4, 5, 6 के आसपास हुआ तो हम यहाँ बाय करेंगे। ये स्विंग लो था मेरा, मतलब पिछला जो इमीडिएट लो था, दिस वाज माय लो, यू कैन मार्क दिस, दिस इज अ डोजी कैंडल, 1893 वुड बी माय स्टॉप लॉस फॉर दिस स्विंग ट्रेड। आई एम टेलिंग यू फॉर दिस स्विंग ट्रेड्स, ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी, ये कहीं नहीं मिलने वाली, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस अ लॉट, अब बहुत आसान है प्रैक्टिस करने के लिए। ये स्विंग लो मेरा 1893 था, ये स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, आई विल कंटिन्यू माय ट्रेड टिल इट टचेस +10 एंड कंटिन्यू टू होल्ड माय प्रॉफिटेबल ट्रेड व्हेन इट गोज अबाउट +10। 1893 से 2025 मतलब कमाल का प्रॉफिट है दोस्तों, ये प्रॉफिट। अब सेलिंग ट्रेड्स जो करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं? सेलिंग ट्रेड के लिए आपको वेट करना होगा कि वो इस पॉजिटिव जो 10 की लाइन थी हमने मार्क की थी उससे नीचे हिस्टोग्राम मतलब ऑसम ऑसिलेटर आपको कि जो वैल्यू है वो 10 से नीचे गिरने लगे तब मैं उसमें ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। ये जब 10 को नीचे की तरफ पेनिट्रेट करता है तो मेरा स्विंग हाई जो था यहां पे ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं अपने ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा जब तक वो वापस से नीचे से ऊपर एंट्री मारने की कोशिश ना करे। दोस्तों बहुत ही आसान है, समराइज करने की कोशिश करता हूँ, दो रेंज रहेंगी +10 एंड -10। ऑसम ऑसिलेटर आपको लगाना है, सिंपल जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसको रखना है, +10 पे एक लाइन मार्क करनी है, -10 पे एक लाइन मार्क करनी है, -10 से जब नीचे से ऊपर की तरफ ऑसम ऑसिलेटर आपको बाइंग की एंट्री दे रहा है वहां चार्ट के ऊपर में जो स्विंग लो था उस टाइम पे जो बिल्कुल इमीडिएट लो था वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप ट्रेड को बाय करके बैठेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे अगर वो 10 से भी ऊपर निकल जाता है। वैसे ही शॉर्ट अगर आप करना चाहते हैं, शॉर्ट करने के लिए स्टॉप लॉस क्या हुआ, पहले एंट्री देख लेते हैं। एंट्री रहेगी जो +10 की लाइन है उसको पेनिट्रेट करके स्टॉक नीचे चलता है तो उसके ऊपर जो स्विंग हाई था दैट वुड बी माय स्टॉप लॉस एंड विल कंटिन्यू एंड इफ गोज बियॉन्ड -10 आई विल होल्ड माय प्रॉफिट्स, एंजॉय द प्रॉफिट्स। आई होप यू वुड लव दिस स्ट्रेटजी, पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए और सभी लोगों को बताइए कि हाँ ये चैनल है जहां पे आपको ऐसा ज्ञान मिलता है, ऐसी डिफरेंट और अनोखी स्ट्रेटजीज आपको दी जाती हैं। दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, मोटिवेट करें, चैनल पे कमेंट करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स बंद करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ताकि मैं कोशिश करूं आपके लिए उसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।